हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द मैथमेटिका वर्ल्ड। बच्चों आज हम लोग क्लास 9 का जो लाइंस एंड एंगल्स है, चैप्टर 6 एक्चुअली, उसका कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। कंसेप्ट में देखो, एकदम बेसिक से पहले बता देना चाहता हूँ कि मैं एकदम बेसिक से क्यों स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मैंने देखा है थ्रू आउट द ईयर्स मैक्सिमम जो बच्चे हैं सबको ज्योमेट्री में डर लगता है, और वो लोग बेसिक जो बच्चे मतलब जूनियर क्लास में जो कंसेप्ट है वो लोग याद नहीं रख पाते हैं, और शायद भूल जाते, कोई कारण होगा इसमें। तो मैंने सोचा कि चलो पूरा एकदम टाच देके जाऊंगा, ताकि मैं जो भी एक्सप्लेन करूं बाद में तुम्हें वो पूरा समझ में आए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग जो मेन टारगेट है कि व्हाट इज लाइंस, व्हाट इज रे, यू ऑल नो, मे बी मोस्ट ऑफ द बच्चे तुम्हें याद है, तो फिर भी एक बार सुन लो, एक्सप्लेन करने वाला हूँ। फिर उसके बाद एग्जम, व्हाट इज एग्जम्स, इसमें आएंगे, और फिर उसके बाद थ्योरम में जाने वाला हूँ, ठीक है। तो पहले देखो, अगर मैं थ्योरम में लाइंस एंगल्स ये सब कुछ एक्सप्लेन करना ऑल ऑफ अ सडन स्टार्ट कर दूं तो शायद तुम लोगों को प्रॉब्लम ही हो सकता है, लेकिन मैं पूरा चीज़ को अगर एक्सप्लेन कर दूं फिर टॉपिक को स्टार्ट करूं तो अच्छा होता है। तो चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो आज हम लोग जो करने वाले हैं वो है कि देखो पहले जो पॉइंट है, व्हाट इज पॉइंट, एक पॉइंट जो है ऐसे डिनोट किया जाता है एक डॉट देके, है ना, नहीं दिखाई देगा तुम लोगों को शायद, अभी देखो इसके अंदर जो है ये वाला पॉइंट को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। तो लाइक इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए, कैपिटल बी, ऐसे कैपिटल सी, एक्स कैपिटल, कैपिटल वाई, कुछ भी इंग्लिश अल्फाबेट में कुछ भी लो, बट वो कैपिटल में होना चाहिए। एक पॉइंट को ऐसे डिनोट किया जाता है। अभी बहुत सारे पॉइंट को एक ही डायरेक्शन में अगर मैं ज्वाइन करते जाऊं तो तुम्हें क्या मिलेगा, लाइन मिलेगा। लाइन तो अभी बताओ, मेरा बोर्ड का तो एक लिमिटेशन है ना, यहां से यहां तक, तो लाइन को तुम बाउंड नहीं कर सकते हो, ये एकदम एक्सटेंडेड है, मतलब चले ही जाते हैं दोनों तरफ, ये एक्सटेंड होते जाते हैं, तो इसलिए तुम इसको बाउंड नहीं कर सकते हो। तो जब हम लोग कॉपी में लिखेंगे और जब हम लोग अपने आंसर करेंगे तो उसको तो स्पेशल रिप्रेजेंटेशन देना ही है, कैसे पता लगेगा कि ये लाइन है या और कुछ है, मतलब लाइन सेगमेंट उसका पार्ट। तो हम लोग एक प्रोसेस यूज किया है, वो है कि एरो साइन दे दो। इसका मीनिंग क्या है, ये चलते जाता है, गॉट इट। तो दोनों तरफ अगर एरो होगा मतलब ये एक लाइन है, तो दोनों तरफ इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, जो जितना चाहो तुम उतना एक्सटेंड कर सकते हो, गॉट इट। तो इसको कहेंगे लाइन। अभी लाइन को देखो बहुत तरीके से लिखा जाता है, लाइन के ऊपर कोई भी दो पॉइंट चूज कर लो। सोचो ये पॉइंट को मैंने अभी भी कहा कैसे डिनोट करना है, कैपिटल लेटर से। तो सोचो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट को मैंने ए और बी माना है, तो इस लाइन को तुम इस तरह से डिनोट किया जा कर सकते हो, ए बी, फिर ऊपर में ऐसे, मतलब जो लाइन का सिंबल है, एक लाइन मतलब एक ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे, फिर दोनों तरफ एरो साइन, मतलब ये एक लाइन है, ठीक है ना। अभी रे, रे का फंडा क्या है, कहीं एक जगह से वो अगर जाएगा ऐसे एक्सटेंड करोगे, मतलब एक देख जो है एक साइड में उसका जो है वो फिक्स्ड है। मतलब अगर प्रैक्टिकल में तुम देखना चाहोगे तो सोचो कि अगर हम लोगों के पास एक टॉर्च है, उसको अगर ऑन करे तो रे, वो रे हम लोग जब साइंस में ही पढ़े है, ये हम लोग यूज करते ना वर्ड द रे कमिंग फ्रॉम दिस वे, जो हम लोगों के सन में, सन से जो हम लोग को लाइट मिल रहा है वो भी तो एक रे ही है, क्योंकि वो एक जगह से आ रहा है ना। तो वहां पे मतलब, तो ये वाला एक जगह अगर फिक्स्ड होगा तो एक साइड में एज मेनी एज यू कैन एक्सटेंड, तो इसको कहते हैं रे। तो रे का एक जगह फिक्स्ड होता है, तो वो भी दो पॉइंट देके ऐसे डिनोट किया जा सकता है, ए बी। अभी इन दोनों में डिफर कैसे करोगे, रे का क्या होता है, एक साइड में एरो होता है, मतलब कोई भी एक साइड तुम उसको एक्सटेंड कर सकते हो, तो इसलिए इस तरह से डिनोट करेंगे। अगर कोई लाइन का एक पार्ट हो, सोचो इस पार्ट को मैंने काट लिया तो बाकी का नहीं रहेगा, तो ये दोनों तरफ से एंड है ना, तो ये फिक्स्ड है, इसका मेजर किया जा सकता है। ऐसे एक बात कहना है, तुम लाइन और रे को मेजर नहीं कर सकते हो, लेकिन एक लाइन सेगमेंट को मेजर कर सकते हो, दैट इज लाइन सेगमेंट। ओके, तो इसको कैसे डिनोट करोगे, ए बी फिर एक डैश ऐसे। हाउएवर हम लोग जब कॉपी में लिखेंगे, जब आंसर करेंगे, तब तुम सबको एक ही तरह एक्सप्रेस कर सकते हो, लाइक ओनली ए बी कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी ये 9 में आ चुके हो तुम लोग, तो इसको ऐसे कर सकते हो। अब बोलोगे सर हम लोग फिर कैसे पता लगेगा कि कौन सा कौन है, मतलब कौन सा वाला रे है, वो क्लियर हो जाएगा वो कॉन्टेक्स्ट से। तो वो कॉन्टेक्स्ट जो है, मतलब जो दिया गया है इंफॉर्मेशन, वहां से तुम्हें पता लग जाएगा कि अच्छा ये रे वाला, ये रे नहीं, ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है, और रे होगा तो रे ड्रॉ किया है, ठीक है ना।
तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, सिर्फ ऐसे ए बी लिखते हैं। अगर तुम चाहो तो इस तरह डिफर करके भी एक्सप्लेन कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कोई ऐसा भी लिखे सिर्फ ए बी रे को, कभी सोचो लाइन को इस तरह से ए बी डिनोट किया है, कभी रे को ए बी इस तरह मतलब इसके बदले में इस तरह से एक्सप्लेन किया है, और लाइन सेगमेंट को ऐसे इसके बदले में ऐसे एक्सप्लेन किया है, और सोचो कि ऐसा ही है, तो वो भी चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा चलो, अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो है एंगल। तो अभी अच्छा और एक बात कहना है, लाइन को तुम स्मॉल लेटर एल एम एन इस तरह से भी डिनोट कर सकते हो, लाइक ये एक लाइन है, इसको स्मॉल लेटर एल कह सकते हो, लाइन एल, ऐसे भी किया जा सकता है। ओके, तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, एंगल। एंगल में कुछ नहीं, एक ही फिक्स्ड पॉइंट से अगर दो रे जाएगा, दोनों रे का अगर एक ही पॉइंट से वो जाता है, तो ये दो बन गया ना, यहाँ पे बीच में जो फॉर्म होता है इसको कहते हैं एंगल। दो रे उसका इनिशियल पॉइंट अगर एक ही हो, तो वहां से तुम अगर दोनों रे को एक्सटेंड करोगे तो उसके बीच में जो जगह है उसको कहते हैं एंगल। अच्छा, इस एंगल को मतलब एंगल अगर फॉर्म होगा तो उसका क्या होगा, इसका एक वर्टेक्स रहेगा, ठीक है ना, और दो आर्म रहेगा, ठीक है। चलो फिर लिख देते इसको, गॉट इट, आर्म्स, ये वर्टेक्स है, ये आर्म्स है, ये मैंने एरो देके लिखा है एक्चुअली, ये वाला डॉटेड लाइन दे देते, चलो इसको आर्म्स कहते हैं, इसको भी आर्म्स कहते हैं, ठीक है, इस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया। अच्छा, तो एंगल को लिखोगे कैसे, सोचो कि ये जो आर्म है, अच्छा वर्टेक्स का एक नाम दे देते हैं, चलो यहाँ पे ओ है। तो अभी देखो, मैं इस रे के ऊपर यहाँ पे एक पॉइंट मान लेता हूँ ए है, और इस रे के ऊपर बी, ठीक है। तो इस एंगल का नेम कैसे लिखोगे, एंगल ए ओ बी। याद रखना, जो वर्टेक्स होगा वो हमेशा मिडिल में रहेगा। इसको तुम इस तरह से भी लिख सकते हो, एंगल बी ओ ए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो वर्टेक्स होगा वो हमेशा बीच में रहेगा। लाइक एक और मैं लिखने वाला हूँ, सोचो कि यहाँ पे एक्स वाई जेड, तो वर्टेक्स जो है वो क्या है, वाई है, तो इसका एंगल कैसे लिखोगे, एक्स वाई जेड, एंगल साइन देके, और नहीं तो जेड वाई एक्स, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, कोई भी एक, लेकिन तुम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो कि एक्स जेड वाई, क्योंकि जेड यहाँ पे वर्टेक्स नहीं है, तो इसको नहीं लिख सकते हो। इस एंगल को अगर डिनोट करना है तो इस तरह से करना है, ठीक है। चलो, एंगल भी हो गया, ये उतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है एक्चुअली। तो एंगल को कैसे नेम लिखना चाहिए, एंगल को सिंगल लेटर में भी लिख सकते हो, लाइक ऐसे करके हम लोग जब शाम करेंगे हम दिखाएंगे तुम लोगों को। सोचो ये यहाँ पे वन दे दियो, तो इसका इस एंगल को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, एंगल वन, और इसके वन के बदले में सोचो अगर ए लिखे हो तो एंगल ए, इस तरह से भी कर सकते हो। अगर सोचो कि यहाँ पे एक ट्रायंगल है ए बी सी, तीन एंगल फॉर्म होगा ना यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तुम इसको सिंगलली एंगल सी भी लिख सकते हो, और एंगल ए सी बी भी लिख सकते हो, और नहीं तो एंगल बी सी ए। याद रखना, वर्टेक्स हमेशा इंपॉर्टेंट है, वर्टेक्स मिडिल में रहेगा, और नहीं तो सिर्फ वर्टेक्स को भी लिख सकते हो, लेकिन जहां पे दो और तीन एंगल एक्स्ट्रा एंगल फॉर्म होगा, लाइक यहाँ पे तो एक, यहाँ पे दो, और यहाँ पे तीन एंगल फॉर्म हुआ है, तो इसका वर्टेक्स सोचो है x, तो तुम इसको एंगल x लिखोगे तो कंफ्यूजन आ जाएगा, क्योंकि x किसको डिनोट कर रहा है, ये वाला एंगल और ये वाला और पूरा, तो तब तुम पूरा एंगल पूरा नेम लिखना। मैं हमेशा क्लास में ऐसे बच्चे लोगों को कहता हूँ कि सोचो कि एक ही क्लास में दो, लाइक इस साल मेरे क्लास में दो सेम नेम का बच्चा है, लाइक सोहम मंडल, दोनों का नेम है सोहम, आई मीन टाइटल, उनका टाइटल भी सेम है, तो सोचो ये कोइंसिडेंट है, तो सोचो एक का नाम सोहम घोष, एक का नाम सोहम मंडल, तो सोचो एक का नाम है सोहम सिन्हा और एक का नाम सोहम मंडल, तो तुम कैसे मतलब डिफर करोगे, तो तुम अगर ऐसे कहोगे कि सोहम टेल मी द आंसर, तो दोनों सोहम कंफ्यूज हो जाएगा, अच्छा मुझे बोल रहे हैं सर ये वो, और एक सोहम जो है वो भी सोचेगा सर मुझे बोल रहे हैं उसको बोल रहे हैं, तो ये कंफ्यूजन। अगर मैं कहूँ कि सोहम मंडल जो है वो आंसर बताओ, तो तब मैं स्पेसिफिक कर दिया ना कि हाँ ये ही है, लेकिन क्लास में अगर एक ही सोहम रहेगा तो मैं सिर्फ कह सकता हूँ कि सोहम तुम आंसर बताओ, तो कोई भी एक एंगल अगर फॉर्म होगा तो लाइक यहाँ पे बी एक ही एंगल है, बी मतलब इसको ही बोलते हैं, और ए बी सी मतलब भी यही है, तो तुम सिर्फ बी लिख सकते हो, तो इसको याद रखना। चलो अभी हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट सेगमेंट हम लोगों का एडजेसेंट एंगल, हाँ एडजेसेंट एंगल ये सब। अच्छा, उसके पहले एंगल का बहुत सारा भाग होता है, लाइक एक्यूट एंगल जो 90 डिग्री से छोटा होता है, ये है सोचो ये दिस इज आवर 90 डिग्री राइट एंगल, इसको कहते हैं, है ना, तो इससे जो सारे एंगल छोटा एंगल है, लाइक मैं अगर यहाँ पे चूज करूँ तो ये वाला एंगल तो एक्यूट एंगल है 90 से कम, ये भी अगर मैं चूज करूँ तो ये वाला भी 90 से कम तो एक्यूट एंगल, अभी सोचो 90 से ज़्यादा हो गया मतलब कि ये वाला एंगल मैंने चूज़ किया, तो यहाँ पे तो कहीं पे 90 डिग्री होगा ना, तो ये जो एंगल है 90 से ज़्यादा देख सकते हो, 90 डिग्री से ज़्यादा यहाँ से मैं अगर मेजर करूँ तो इसको कहेंगे क्या, ऑब्ट्यूस एंगल, एक्यूट एंगल यहाँ पे ये है एक्यूट एंगल, और ये वाला होगा ऑब्ट्यूस। ओके, अच्छा
तो नाउ एक्यूट एंगल, फिर राइट एंगल आता है, फिर ऑब्ट्यूस एंगल आता है, फिर क्या आएगा रिफ्लेक्स एंगल, फिर कंप्लीट एंगल। कंप्लीट मतलब पूरा 90 डिग्री जो होता है, मतलब एक यहाँ पे सोचो ये वाला एंगल पूरा, तो इसको कहते हैं कंप्लीट एंगल, 360 डिग्री इसका वैल्यू होता है। रिफ्लेक्स क्या होता है, 180 से ज्यादा एंगल अगर हो गया तो सोचो कि ये वाला एंगल, ये वाला रिफ्लेक्स। क्यों? क्योंकि इस साइड में रिफ्लेक्स के ऑपोजिट साइड में देखोगे तो ये कभी कभी एक्यूट आ सकता है, कभी कभी ऑब्ट्यूस आ सकता है, लेकिन ये वाला एंगल अगर मैं चूज करूं, मतलब यहाँ पे 180 डिग्री है, ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक क्या 180 है, तो ये उससे ज्यादा मतलब इतना ज्यादा है, तो इसको कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। इस तरह से एंगल का भाग है। चलो अभी हम लोग जो करेंगे वो है एंगल का जो एडजेसेंट एंगल, वो सारी जो चीज है वो पढ़ेंगे, लीनियर पेयर वो पढ़ते हैं। चलो तो अभी देखो यहाँ पे एडजेसेंट एंगल क्या होता है। एडजेसेंट एंगल कुछ नहीं, जो साइड बाय साइड पास पास में रहता है, एडजेसेंट है जो नेबर, मतलब एक का नेबर एक है, तो लेकिन वहां पे कुछ क्राइटेरिया तुम्हें याद रखना है। कैसे? जैसे कि सोचो कि मैं अगर यहाँ पे एक एंगल में बना दूं, यहाँ पे एक एंगल, यहाँ पे एक एंगल, ये दो जो एंगल मैंने मार्क किया है, ये दोनों एंगल का जो एंगल है वो कहेंगे एडजेसेंट एंगल। लाइक सोचो ये ए है, ये बी, यहाँ पे सी डी, और नहीं तो ये सोचो ओ है, तो यहाँ पे एंगल ए ओ बी कर देते हैं और इसको सी कर देते हैं। ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी, ये दोनों जो है ना एडजेसेंट एंगल है, लेकिन ए ओ बी एंड ए ओ सी, ये दो जो एंगल है ना ये एडजेसेंट नहीं है, लेकिन ये दोनों एडजेसेंट एंगल है। अभी बताओ क्या, कैसे मैंने पता लगाया? देखो एडजेसेंट एंगल में क्या देखना है, जो दो एंगल है ना उनका दोनों का, दोनों एंगल का एक कॉमन आर्म होना चाहिए। देखो ए ओ बी एंड बी ओ सी, इनका जो कॉमन आर्म है वो है ये वाला, ये जो बीच में गया है ये वाला है कॉमन आर्म, है ना, ओ बी इज द कॉमन आर्म। और क्या होगा, एक कॉमन वर्टेक्स, दोनों का ही कॉमन वर्टेक्स वो है O। और एक जो महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है नॉन एडजेसेंट, जो मतलब दो नॉन कॉमन जो आर्म है वो कॉमन आर्म के दोनों तरफ रहेगा, एक ही तरफ नहीं दोनों तरफ। ये तो हम लोगों का कॉमन आर्म है ना, इसके देखो ऊपर साइड में मतलब इस साइड में है ये OA और नीचे जो है वो है OC, तो नॉन कॉमन आर्म आर्म्स इसका प्लेस क्या होगा, OB के ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड ऑफ OB, चलो ऐसे लिख देते। कैसे होगा, ऑपोजिट साइड ऑफ OB, मतलब एक है OC एंड OA, ये दोनों नॉन कॉमन आर्म है, लेकिन ये दोनों ऑपोजिट साइड, OB के नीचे है ये ऊपर में है, तो ऑपोजिट साइड में है, इसलिए इसको कहेंगे एडजेसेंट एंगल्स। अच्छा ये क्यों नहीं है, देखो AOB एंड AOC में AO है कॉमन आर्म, ठीक है, अभी जो नॉन कॉमन आर्म कॉमन वर्टेक्स है यहाँ पे क्या है, इसके बारे में देखते। चलो AO है कॉमन, अभी कॉमन वर्टेक्स जो है, कॉमन वर्टेक्स मैंने डैश डैश डॉट डॉट दिया है, कॉमन वर्टेक्स क्या है O, एकदम दोनों क्राइटेरिया मिल फुलफिल हो गया। लेकिन जो नॉन कॉमन आर्म कौन कौन है, यहाँ पे कौन कौन था, OA इसका इसका एंड OC, ये दोनों ही OB के ऑपोजिट साइड में है, मतलब इन दोनों के बीच में OB है। अब यहाँ पे नॉन कॉमन आर्म देखते हैं, देखो एक है OB एंड OC, ये दोनों जो है ना OA के एक ही तरफ है, ऑपोजिट साइड ऑपोजिट ऑफ OA नहीं है, मतलब OB देखो इसके राइट साइड में है, OC भी राइट साइड में है, एक इधर ऐसा नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूँ रे, सोचो ये D है, OD एंड OB एंड OA, देखो OA के OD एंड OB दोनों तरफ है, लेकिन ये दो जो है OB एंड OC ये नहीं है, तो इसलिए ये नहीं हुआ है। तो कॉमन आर्म एडजेसेंट एंगल पता लग गया। अभी एडजेसेंट एंगल का जो दो नॉन कॉमन आर्म है ना वो अगर एक स्ट्रेट लाइन बना दे तो उसको कहेंगे लीनियर पेयर, क्योंकि वो 180 डिग्री फॉर्म करता है। चलो दिखा देते हैं वो भी, ये तो एडजेसेंट एंगल हो गया ना, अभी चलो मैं और एक एडजेसेंट एंगल ड्रॉ करता हूँ, यहाँ ये है ए, ये ओ, ये सोचो सी, ऐसा, तो देखो ये वाला और ये वाला, देखो इसका कॉमन कौन है, ओ बी इज द कॉमन आर्म, कौन कौन एंगल का, सेमी नेम ए ओ बी, ए ओ बी, बी ओ सी, बी ओ सी, इन दोनों का ही कॉमन आर्म कौन है, ओ बी, ये देखो ये भी ओ बी शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे नेम देखो, ये जो नेम दिया गया है ना एंगल का, नेम मैंने बनाया है यहाँ पे, ध्यान कर मतलब देखो ध्यान से, मैंने कॉमन आर्म इसके अंदर है, नेम के अंदर ही कॉमन आर्म छुपा हुआ है, ऐसा ही होना है। अच्छा फिर ओ सी एंड ओ ए दो नॉन कॉमन आर्म है,
और एक फंड है जो ओसियन ओए मिला के एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है, मतलब 180 डिग्री एंगल। तो इसीलिए यहाँ पे ए ओ बी फॉर दिस फिगर, ए ओ बी एंड बी ओ सी, ये दोनों जो है लीनियर पेयर। मतलब लीनियर पेयर में क्या होना है ऐसा, अच्छा मैं अगर ऐसा करूँ, सोचो यहाँ पे एक एंगल मैंने फॉर्म कर दिया, यहाँ पे एक अलग से एंगल फॉर्म कर दिया, चलो तो ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये दोनों लीनियर पेयर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे कॉमन आर्म ही नहीं है, देखो कॉमन वर्टेक्स भी नहीं है, तो अलग अलग नहीं होगा। तो दैट मीन्स लीनियर पेयर होना है तो वो दो एंगल जो है ना एक दूसरे का मतलब एडजेसेंट एंगल है पहले, फिर वो लीनियर पेयर बना सकता है, नहीं बना सकता है। मतलब लीनियर पेयर होगा मतलब वो हमेशा एडजेसेंट एंगल होगा। गॉट इट? चलो ये भी हो गया, पढ़ेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। चलो इसको रब करते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में चलो देखते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या कहते हैं कि अगर कोई भी दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करेगा एक दूसरे को, ऐसे एक ऐसा एक ऐसा, दो स्ट्रेट लाइन है ना, एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट किया है, यहाँ पे सोचो ये O है, तो मतलब ये जो यहाँ पे एक एंगल फॉर्म होगा, सोचो ये AB है, AB, ये CD है, तो देखो यहाँ पे जो AB एंड CD दोनों ही O पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। अभी यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है और इसके अपोजिट साइड में वर्टेक्स है ना, वर्टेक्स के देखो दोनों तरफ, दोनों अपोजिट साइड में जो एंगल फॉर्म होता है उनको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। यहाँ पे एक ही मतलब दो पेयर बनेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मतलब पेयर में आता है, ये दोनों है वर्टिकली और एक होगा यहाँ पे, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, तो याद रखना, कैसे याद रखोगे, एक वर्टेक्स एंगल का जो वर्टेक्स है उसके अपोजिट साइड में जो एंगल हो रहा है कब होता है, जब एक स्ट्रेट लाइन दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करते हैं एक पॉइंट में, तो वहां पे वर्टेक्स बन जाता है। सोचो कि अगर मैं ये नीचे वाला एंगल मतलब ये वाला हटा दे, इसको हटा दे, तो यहाँ पे एक एंगल बन गया ना AOD, समझ में आ रहा है, तो वो AOD जो है एक एंगल है। सिमिलरली यहाँ पे भी वही होगा, चलो इसको ज्वाइन कर देते फिर से, तो ये दो है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अब हम लोग थ्योरम पढ़ेंगे इसके बाद, जहाँ पे देखना है तुम लोग देख सकते हो कि थ्योरम में क्या है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल का वैल्यू हमेशा सेम होता है, हमेशा सेम होता है हमेशा, तो वो पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग एग्जाम पढ़ेंगे, तो आई थिंक जो जो था कंसेप्ट वाला चीज वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है यहाँ पे। अच्छा, इंटरसेक्टिंग लाइन नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन बहुत ही आसान है, दो लाइन अगर ऐसे जहाँ पे ये दो लाइन इंटरसेक्ट किया है तो एक पॉइंट में हो सकता है, बहुत सारे पॉइंट में, मतलब एक ही पॉइंट लाइन के ऊपर और एक लाइन कोइंसाइड हो जाता है, कोइंसिडेंट लाइन कहते हैं उनको, तो वो भी होगा इंटरसेक्टिंग लाइन्स। अच्छा, एक बात कहना है कि अगर एक ही पॉइंट से, मतलब ये कोइंसिडेंट है, ये है इंटरसेक्टिंग लाइन, अगर एक ही पॉइंट से और एक दो से ज़्यादा स्ट्रेट लाइन अगर चला जाएगा, तो दो से ज़्यादा मतलब तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, 1001 करोड़, क्योंकि एक पॉइंट से इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स मतलब लाइन्स यू कैन ड्रॉ। तो सोचो मैं अभी यहाँ पे चार लाइन ही ड्रॉ किया है, तो तभी ये जो पॉइंट होगा ना इसको इंटरसेक्टिंग नहीं कहेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, इंटरसेक्टिंग पॉइंट तब नहीं कहेंगे, तब हो जाएगा पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। दो ही लाइन अगर इंटरसेक्ट करेगा तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लेकिन यहां पे जो है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंट। ओके, और कॉन्करेंस लाइन ये और ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स, समझ में आया? तो ये चीज बुक में नहीं है, मैं फिर भी एक्सप्लेन कर दिया है। अच्छा, और कुछ मिस हो रहा है? नहीं, इंटरसेक्टिंग हो गया, पेयर ऑफ एंगल्स हो गया, हाँ बाकी का तो हो गया सब कम। हाँ चलो, तो आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या एक्सप्लेन करूंगा, फर्स्ट एग्जाम्स फिर थ्योरम। ओके, एक और क्लास ज्यादा लग गया, तो एग्जाम्स फिर थ्योरम में हम लोग आएंगे। चलो, आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं, बाय बाय।